अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ईमान फैमिली में खुश आमदी। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। तो जी, आज का व्लॉग मैं नाश्ते से शुरू कर रही हूँ। तो मैं नाश्ता बना रही हूँ अपने लिए, साथ चाय बन रही है और एग वाइट बना रही हूँ। उसमें मैंने थोड़ा सा सब्ज़ धनिया डाला है, सब्ज़ मिर्चें डाली हैं और थोड़ा सा टमाटर डाल दिए, प्याज मैंने नहीं डाले इसमें, नमक भी थोड़ा सा डाल दिया है। और इसको मैंने फेंट किया अच्छे तरीके से। फ्राई पैन में मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है, उसको फ्राई कर रही हूँ। और एग योक को मैं अलहदा फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि मैंने एग वाइट में नहीं डाला, मुझे नहीं अच्छी लगते, तो इस वजह से फ्राई करके रख दूँगी, जो खाना चाहेगा फिर बाद में खा लेंगे। तो सिंपल सा नाश्ता है। रोज़ाना मैंने कहा चलो जैम वगैरह कुछ खा लेते हैं, तो आज मैं आमलेट बना लेती हूँ। साथ में चाय भी बन रही है डेली की तरह, और ब्रेड को भी मैं सेक लूँगी। सुबह वैसे तो आलू भी फ्राई हुए हैं, वो भी थोड़े से रखे हुए हैं। अच्छा नाश्ता होगा आज, मज़े का। गर्मियाँ तो वैसे बहुत ज़्यादा हैं, दिन को काफ़ी हब्स हो जाती है। तो जी अभी नाश्ता करेंगे, और काफ़ी सारा काम है आज, तो वो भी आपके साथ शेयर करूँगी, नाश्ते के बाद शेयर करूँगी। और तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस करें, ताकि मेरी डेली की आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अंडा जो मैंने बनाया वो, और ब्रेड भी है, तो चाय भी बन रही है, तो अभी बैठ के मैं नाश्ता करूँगी। तो जी उसके बाद जो बाकी का दिन हो में काम होगा वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छा जी, नाश्ता कर लिया है, तो वही दिन का आगाज़ शुरू हो गया, काम काज, वही किचन। तो जी ये बन रहा है शीर खुरमा, जिसके लिए मैंने ये नट्स लिए हैं, बादाम, पिस्ते, और गरी थी मेरे पास, छुहारे थे, थोड़ी सी किशमिश को मैंने धो के भिगो के रख दिया है, और ये बारीक सेवई हैं, और चीनी है जी, और ये जो फ्रूट्स हैं इनको मैंने बारीक बारीक काट लिया है, ग्राइंड नहीं करना, इनको काट लेना है सबको। और पैन में थोड़ा सा ऑयल डाल के चंद सेकेंड के लिए इनको फ्राई करना है, आँच भी हल्की होनी चाहिए, ये ना हो कि चीनी आपकी जलने लगे। ये होममेड शीर खुरमे की रेसिपी है जो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैं ये कोशिश कर रही हूँ कि आपके साथ मैं कुछ रेसिपीज शेयर करूँ, और इजी हूँ और जल्दी भी बन जाए। और साथ दूसरे चूल्हे पे मैंने दूध बॉयल करने के लिए रख लिया है, उसमें दो तीन मैंने इलायची के दाने निकाल के डाल दिए, सब्ज़ इलायची के। रेसिपी आपने ज़रूर ट्राई करनी है, बहुत इजी है, बहुत मज़े की बनती है। अच्छा जी, दूध भी बॉयल हो रहा था 10-15 मिनट से हल्की आंच पे, तो अब जो सेवइयां और ड्राई फ्रूट मैंने फ्राई किए हैं वो मैंने इसमें डाल दिए हैं। अब इसे मज़ीद तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए पकने के लिए आप रख दें, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। और एंड में फिर इसमें डालेंगे एक या दो कतरे आपने केवड़ा एसेंस के डालने हैं, अच्छी खुशबू आती है उससे। अच्छा जी, आपको चलो मैं ये बता देती हूँ, आज खाना बन रहा है स्पेशल, तो मैंने कहीं पे भिजवाना है, तो इस वजह से ये जो रेसिपी मैंने आपके साथ नहीं शेयर की थी ये मैं शेयर कर रही हूँ। तो बाकी जो चीज़ें बनेंगी उसकी ऑलरेडी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, तो इस वजह से फिर बार बार शेयर करूँ तो फिर आप बोर हो जाएंगे। अच्छा जी, इसको पकने देना है अभी। तो अभी फिर मैंने इसमें किशमिश भी डाल दी है।
खीर खुरमा बन गया, अब मैं इसको रख दूँगी, थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा। फिर उसके बाद मैं इनको बाउल में डालूँगी, बाउल में डाल के फिर मैं इनको फ्रिज में भी ठंडा करने के लिए रख दूँगी। और जी इसके बाद साथ बन रहे हैं कोफ्ते जैसे होते हैं, मैंने आपके साथ पहले भी शेयर की है, और साथ बिरयानी बन रही है, चिकन बिरयानी है। तो आप ये भी सोचेंगे भी जब भी किसी का खाना होता है कुछ करती हैं तो उस वक्त कोफ्ते लाजमी बनाते हैं, क्योंकि देखिए अमूमन कढ़ाई ये चीज़ें तो घर में बनती हैं, हर कोई ईज़िली बना लेता है, लेकिन कोफ्ते जो होते हैं वो थोड़ा मुश्किल भी होते हैं और मेरे ख्याल से तो कम ही बनाए जाते हैं घरों में, क्योंकि थोड़ा मेहनत वाला काम है। तो मैं यही कोशिश करती हूँ चलें भी जब किसी का खाना हो कुछ हो तो बना लूँ, अच्छे बनते हैं। तो आपने भी रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताना है आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, तो आज का व्लॉग कैसा लगा, तो आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। अच्छा जी, कोफ्ते भी दूसरी साइड से बन रहे हैं और उसको अच्छे तरीके से भून लेंगे, और दूसरे चूल्हे पे फिर बिरयानी बन रही है। घर का भी सारा काम कर लिया है, तो आज कुकिंग मैं इतनी नहीं कर रही, मेरी सिस्टर कुकिंग कर रही हैं, क्योंकि हल्का हल्का सा मेरे सर में दर्द था दो दिन से, तो फिर इतने क्या आप ज़्यादा किचन में ना आओ तो हेल्प कर रहे हैं गुस्से की, मिलजुल के कर रहे हैं काम, लेकिन ज़्यादा काम आज वो कर रहे हैं। देखिए यही फ़ायदा होता है बहनों का, जब बहनें दो एक ही घर में होती हैं ना तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। अच्छा जी, कोफ्ते बन गए, तो एंड में फिर हमने इसमें डाल दिया खुश्क धनिया और ज़ीरा, सवा गरम मसाला और सब्ज़ धनिया, बस ये बन गए। और अब बिरयानी भी बन रही है, इसका कोरमा बिरयानी का बन गया, चिकन तकरीबन गल गई है, और दही में जो मसाला मिक्स करके रखा हुआ है बिरयानी मसाला तो वो इसमें डाल देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज का दिन अच्छा गुजर रहा है और अच्छा गुजरेगा, तो अब दिन का टाइम है, ये खाना तकरीबन बन जाएगा, और शाम को तो आज वैसे भी फिर कुछ भी नहीं बनाना होगा, शाम को थोड़ा रेस्ट करेंगे आराम से। चावल भी बॉयल करके रखे हुए हैं, सैलेड भी साथ बन गया है, और साथ में बनाया है रायता, तकरीबन सारा काम हो गया है। अब इसका जब चिकन का आयल अलहदा होगा फिर उसके बाद फिर हम इसको रख देंगे दम पे, इसकी तह लगाएंगे बिरयानी की। लीमू भी इसमें निचोड़ लेना है। अच्छा, मैं लीमू नहीं डालती लेकिन मेरी सिस्टर लीमू डालती हैं, तो जी आपने ज़रूर ये भी ट्राई करना है। अच्छा, रेसिपी अगर आप कोई बना रहे हैं तो उसमें अगर थोड़ा सा भी मसाला चेंज करें, कुछ ना कुछ चेंज करें, तो लाजमी उसका टेस्ट थोड़ा चेंज हो जाता है। चलें जी, आपने लीमू भी लाजमी डालना है, तो आपने ये चेंज भी थोड़ा करना है, तो इंशाल्लाह अच्छी बनेगी आपकी भी बिरयानी, थोड़ी खट्टी खट्टी सी होगी। अच्छा जी, अब व्लॉग का करते हैं एंड, तो काफ़ी सारी बातें भी आपके साथ हो गई हैं, तो अब जहाँ पे मैंने खाना भिजवाना है तो उनके घर में खाना भिजवा दूँगी अभी, तो
अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अल्लाह हाफिज़।